आपकी अभी नई नई शादी हुई है, फास्ट बॉलर की शादी है, बड़ी शादी है। शिखर भाई ने बताया कि हम लोग क्रिकेटर्स काफ़ी मेहनत करते हैं अपनी वाइफ को पटाने के लिए। उन्होंने फेसबुक का यूज़ किया प्रॉपर तरीके से, बोले कि एक साल लग गया, रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं की। आपका भी कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ होगा? बास्केटबॉल प्लेयर है आपकी वाइफ, टॉप लेवल। शिखर को एक साल लगा, मेरे को दो साल लगे थे। और मैं अपनी वाइफ से मिला कैसे था कि ना, मैं मेरी वाइफ की सिस्टर और मेरे दोस्त ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, तो मेरे को उसमें चीफ गेस्ट बुलाया। तो मेरे वाइफ का ACL टूटा हुआ था, तो उसके ब्रेस लगा हुआ था नी में, तो स्कोरिंग करी थी। अगर आप क्रिकेट में देखो तो स्कोरर कैसे होते हैं कि बुढ़े से होते हैं, कोई पान खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, स्पेशली लोकल टूर्नामेंट में। और मेरी वाइफ स्कोर बोर्ड चला रही थी ऐसे ऐसे करके। मैंने अपने दोस्त से बोला, यार यहाँ तो स्कोरर भी बड़े सुंदर होते हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला, भाई तू यहाँ बोल रहे पागल, वहाँ मत बोलियो, क्योंकि मेरी कहते कि ये जो हमारे साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रही है उसकी सिस्टर है। मैं कहा ओहो। तो मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, थोड़ा शांत होना चाहिए। तो शुरू में मेरी वाइफ को मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि हम क्रिकेटर हैं। वो उसका ये कहना है कि वो भी कंट्री रिप्रेजेंट करती है, हम भी कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें ज़्यादा लाइमलाइट क्यों मिलती है। अच्छा, तो टिपिकल प्रॉब्लम जो होती है नॉन क्रिकेटर की, क्रिकेटर के अगेंस्ट। हाँ, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो सबके साथ ही अच्छे हैं। ये भी ठीक है। तो फिर मेरी वाइफ के साथ, तो जब एज अ पर्सन शी गेट टू नो अबाउट मी, कि मैं वैसा घमंडी लड़का नहीं हूँ जैसे वो सोचते हैं, कर लेते हैं। कि मतलब एक इमेज बन जाती है कि क्रिकेटर नहीं, ये वो ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं। तो जब उन हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, तब जाके मुझे उन्होंने समझा, जाना पहचाना कि नहीं ठीक है, ही इज डिसेंट, देन ओनली यू नो वी गेट टुगेदर। अच्छा, तो अभी इक्वल हो गया है सब? अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत चलता है कि वो कहते हैं कि बास्केटबॉल ज़्यादा मुश्किल है, मैं कहता हूँ नहीं, फास्ट बॉलिंग ज़्यादा मुश्किल है। तो वो एक्सप्लेन करना पड़ता है क्यों मुश्किल है। मैं कहा, बास्केटबॉल में आपको भागना है, जंप करना और बास्केट मारनी है। ये इंटरव्यू देख लिया। और तो कह रही, बॉलिंग में क्या है, भागना है, टेढ़ा होना और बॉल फेंकनी है। मैंने कहा, भाई साहब बॉलिंग की बायोमैकेनिकल इट्स अ टफेस्ट थिंग, कि जो आपकी बॉडी के लिए बनी नहीं है, अननेचुरल है, अननेचुरल है। कि आप भागते हो, रुकते हो, पैर पे लोड आता है, फिर आप बॉडी ट्विस्ट करते हो, फिर बॉल फेंकते हो। तो अब इमेजिन करो कि इसमें बायोमैकेनिकली कितनी सारी चीज़ें आपकी बॉडी के हिसाब से नहीं है जो होती है। आपको क्या करना है उसके लिए, तो आप बॉडी हमारी बनी भागने के लिए, हम भागेंगे, जंप करेंगे और बास्केट मारेंगे। और स्लैम डंक के लिए? हाँ, वो फिर कहती कि एक बारी मार के देखो। तो मैं उसके साथ एक बारी खेलने गया था। तो ना उसने मुझे भागते भागते, ये देखो अभी हम खेलने गए थे, तो उसने मेरे को भागते भागते एक कोनी मारी, और उसने उसकी इंटेंट भी नहीं थी मारने की, उसने जस्ट मुझे ऐसे कोनी मारी और मेरे इधर लगी। मैंने कहा ये फाउल है, कि ऐसे फिजिकल नहीं होना। कह रहे हम खेलते फिजिकल गेम है। इससे तो ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग अच्छी है। मुंह से बात करो, फिजिकल हार्म। हाँ, एक तो मेरी बीवी को वो सो कॉल्ड राजपूत बहुत ज्यादा हुआ है, कि नहीं भाई हम राजपूत हैं, और खेलने में भी वो एकदम फुल एग्रेसिव। अरे बाप रे, तो आपको टफ टाइम है घर पे। हाँ, मैं अभी थोड़ा ट्रेनिंग कम कराता हूँ।